प्रदूषण के जिन आंकड़ों से पूरा शहर हैरान था, वो लापरवाही का बड़ा नमूना निकले हैं। डीआईजी कार्यालय के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण मापने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया है, उसके सेंसर पर धूल जमने और पास में ही किसी के कचरा जलाने से लगातार आंकड़े बढ़े हुए आ रहे थे। अफसरों ने मौके पर जाकर जांच की तो ये खुलासा हुआ। ये भी पता चला कि जिस कर्मचारी को यहाँ धूल साफ करने के लिए रखा है, वो 2 दिन से छुट्टी पर है, इसलिए सफाई नहीं हुई है। हालत ये हो गई थी कि 10 दिन से वायु प्रदूषण बताने वाला AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 बार 200 से पार होकर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया। 23 नवंबर को ये 323 पर आ गया तो शहर की तुलना दिल्ली के प्रदूषण से होने लगी। हालांकि इसी दिन दिल्ली का AQI 312 था, यानी इंदौर से कम। विभाग के रीजन ऑफिसर आर के गुप्ता ने इसे स्वीकार भी किया। उन्होंने बताया डीआईजी ऑफिस के मॉनिटरिंग स्टेशन से केंद्र और प्रदेश दोनों के ही विभाग प्रदूषण के आंकड़े लेते हैं। सेंसर की सफाई नहीं होने से AQI का डेटा बढ़ने लगे। इसे साफ करवाया तो डेटा 174 पर आ गया। 22 नवंबर के बाद एक बार फिर AQI 250 से ज्यादा हुआ तो मॉनिटरिंग स्टेशन पर जांच की। वहां किसी ने पास में कचरा जला दिया था, इससे आंकड़े में फर्क आ गया। मामले की जानकारी तत्काल निगम आयुक्त आशीष सिंह को दी तो उन्होंने मौके पर टीम भेजकर संबंधित व्यक्ति पर 5,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया। जो प्रदूषण के आंकड़े आ रहे थे, निगम आयुक्त आशीष सिंह का कहना है कि जब प्रदूषण के आंकड़े आ रहे थे तभी हमने विभाग को जांच करने के लिए कहा था, क्योंकि शहर में इतना प्रदूषण है ही नहीं। जांच की तो उनके सेंसर खराब निकले, एक वजह कचरा जलाने की भी सामने आई है, जिस पर हमने स्पॉट फाइन किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।